अभी मैं 3 बज गए हैं और मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब देखते हैं यार मैं कितने बजे घर पहुँचूँगी। तो मैं चली तो थी घर से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं 12 बजे चल दी थी वहाँ से राखी बंधवा के, और 12 बजे मैं इतनी जल्दी जल्दी निकली हूँ। फिर भी इतनी जल्दी निकलने के बाद भी मैं यहाँ पे 3 घंटे लग गए। तो बेचारा वेट वूट करके वो तो सो गया। मैं उसको इतनी देर से बोल रही हूँ, आरू मम्मी आएगी, नानी आएगी, तो रस्ते में ऐसे देख रहा था कि कहाँ से आएगी। मैंने उसको इतनी देर से बना के रखा कि लास्ट में वो कुरुक्षेत्र के आसपास आके सो गया। तो देखो मैं निकली थी घर से 12 बजे इतनी जल्दी जल्दी में कि मैं ना बस 2 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँ 2 घंटे में। और देखो मैं 12 बजे की निकली हुई, अब मैं पहुँचूंगी यहाँ पे 3 बजे। तो मेरे को ये कालरा स्वीट है, अभी आपको घूम करके दिखाऊंगी। तो ये कालरा स्वीट है, यहाँ पे करनाल में सबसे फेमस है। यहाँ की मिठाई के लिए भाई बहुत लाइनें लगती हैं, तो आज यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना पड़ा मेरे को। यहाँ से मैंने मिठाई ली, सबसे फेमस शॉप है करनाल की। और यहाँ नानू और आरू लगे हुए थे गेम करने। आरू दिखा रहा है कि देखो मेरे को पढ़ना आ गया, तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स जितने लिखे थे उनको बता रहा था। नानू देखो सी लिखा है यहाँ पे। पापा बिल्कुल शांति से बैठने वालों में से नहीं है, और ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ, और पापा को लगा कि भाई यहाँ पे तो ये सीमेंट जम गया है, तो उन्होंने खुरपा उठाया, चलो भाई मैं ही लग जाता हूँ, सारे वर्कर छुट्टी पे है तो चलो क्यों ना मैं ही कंप्लीट कर दूँ इसको। फिर यहाँ कि बेटा बताओ नेशनल फ्लैग कहाँ है, तो आरू भी इशारा करके बताया कि देखो नानू नेशनल फ्लैग वो रहा। और यहाँ मजदूर ना मिलने की वजह से मालिक खुद खुरपा उठाए घूम रहे हैं। पापा बस करो, इतनी मेहनत में भी करिए, आप इतने पतले कैसे हो गए? इतनी मेहनत करने के बाद आदमी क्यों नहीं पतला हो सकता? ये मेरी बुआ हैं बड़े वाले।
राखी पे। और जो ये मेरा कजन ब्रदर है सागर, और ये स्पेशली पटकुला से आया राखी बनवाने के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये इतनी दूर से आया है स्पेशली राखी बनवाने। थैंक यू सागर एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। और राखी सेलिब्रेट करने के बाद हम आ गए सेक्टर 6 जो कि मेरा दूसरा घर है, तो वहाँ पे वही मेरे चाचा चाची ने देखो मेरे लिए पनीर के पकोड़े बनाए, तो ये इतने टेस्टी थे मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ आके मेरा सारा बचपन याद आ गया मेरे को कि कैसे कैसे हम इस घर में सेक्टर 6 वाले घर में रहते थे। ये है वो घर जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, तो ये बहुत ही प्यारा था, इसको देख के सब कुछ मेमोराइज हो गया, अच्छा लगा यहाँ के। तो ये सीन तो रिकॉर्डिंग पे बनता ही था, मतलब जब हम छोटे होते तो चाचा इसी उस पे कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो उनको ऐसे देख के वही सब कुछ याद आ गया कि यार हम कैसे बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो अंकल को ये चीज़ देख के तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा कि यार वही बचपन वाले सब चीज़ें याद आ गई। कैसी बनी है? तो यहाँ ये चाचा खाना खा रहे हैं, देखो दाल, ये पकोड़े हैं इनके साथ में चटनी।